गाइस सभी लोग वेलकम बैक टू सभी गाइस कॉर्नी वीडियो के अंदर स्काई फैक्ट्री 6 की। सो यार काफ़ी दिनों से मैं स्काई फैक्ट्री 6 ही खेल रहा हूँ भाई, मज़ा आ रही खेलने में। और वैसे वीडियो इस बार की थोड़ी छोटी है क्योंकि भाई अभी टेस्ट वगैरह चल रहे भाई मेरे, मतलब एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है भाई, तो उसके लिए माफ करना ठीक है। तो हाँ अभी तो देख सकते हो ये हमारा जो बढ़िया वाला काम कर रहा था फार्म, और मैंने इसको थोड़ा सा इन्हेंस करा है ठीक है। अब 11 आरएफ बनते हैं मेरे इसके अंदर, मतलब बिजली ज़्यादा बनती है भाई, और मैंने एडवांस वाले बनाए जिसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ भी प्लेटफॉर्म बनाया क्योंकि आज हम लोग करने वाले क्रिएट मोड वाला सारा काम, तो उसको करने के लिए मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए था भाई क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो चीज़ें बनाना शुरू करते सीधे क्रिएट मोड वाली, तो ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, इसको बनाने ज़्यादा मुश्किल है नहीं ठीक है। आज मैं बनाने वाला हूँ एक रिसोर्स फार्म, जिसको बनाने के लिए मुझे कॉबलस्टोन जनरेटर ये बनाना पड़ेगा, इसके साथ साथ एक क्रैंक बनाना पड़ेगा ये वाला जो होता है क्रशिंग व्हील, उसके साथ साथ मुझे एक सेव और एक विंड वाली टर्बाइन बनानी पड़ेगी। तो ये सब बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं, कॉबलस्टोन और लकड़ी से बन जाता है आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं, लकड़ी और कॉबलस्टोन बहुत है। और अभी लकड़ी का भी फार्म मैं इसी से बनाने वाला हूँ आगे जाके, तो वो मैं बना लूँगा ऑफ वीडियो बैठ के आराम से ठीक है। अभी आज हम लोग ये वाला फार्म बनाएंगे क्योंकि भाई एग्जाम चल रहे ना, तो उसमें भाई टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का, और हो सकता है कभी वीडियो ना भी आए क्योंकि भाई वही है ना, एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है, एग्जाम तो जो फिर उसके बाद रेगुलर वीडियोस आने वाली है ठीक है। तो हाँ अभी हम लोग जल्दी से इसको बना लेते सारी चीज़ें, सो अभी सारी चीज़ें बना ली है भाई, अब जल्दी से चलते हैं वहाँ पे अपना काम करने के लिए। तो यहीं पे हम लोग करने वाले, तो मेरे पास कॉबल मतलब चेस्ट वगैरह है, तो चेस्ट वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे, दो चेस्ट ये लगा दिए, और बाकी मैं दो हॉपर बना के लाया था, और दो हॉपर से काम नहीं होने वाला यार, मुझे थोड़े और हॉपर्स बनाने पड़ेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, इसको बना लेंगे, मतलब मेरे को थोड़े ज़्यादा ही बनाने पड़ेंगे हॉपर्स। तो अभी मैं हॉपर्स वगैरह सब लेके आया हूँ जल्दी से, तो ये रहे हॉपर्स, तो अभी इसको जल्दी से यहाँ पे लगा देते हैं, एक दो तीन चार, और फिर इधर पे भी थोड़े से लगा देते हैं। कोई से कहते थे भाई क्या लाए हो तुम, भाई ये बंदा कुछ ढंग का नहीं लाया है, कुछ भी ढंग है, मेरे तेज मारेंगे ना घंटा भाई, ना कितनी पकौड़ा देती जो है ना उसको भाई, और पकौड़ा कर देंगे उन्होंने भाई ठीक है। इसको छोड़ते भी लोग अपना काम करते आगे का। अरे यार ये ग्लिच यार, ये पता नहीं मेरे बटन के साथ पता नहीं क्या होने लगता है, अभी मेरे बटन कुछ भी चलने लगते हैं। तो हाँ अभी यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं, और ये फार्म ना थोड़ा ज़्यादा लंबा बनता है भाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस है ठीक है। तो अभी इसको एक काम होते ऐसे करके थोड़ा बहुत मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, तो वो सब मुझे ऑफ वीडियो करना पड़ेगा भाई, ऐसे करेंगे तो हो चुका भाई। अभी मुझे यहाँ पे क्रशर लगाना पड़ेगा ठीक है, तीन ब्लॉक चार ब्लॉक हो चुके, अब यहाँ पे क्रशर लगा देते हैं, और फिर इसके बाद मेरे हिसाब से मुझे इसको थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा ताकि ये कनेक्ट हो पाए कॉग व्हील से, ताकि उसके अंदर करंट जब भी आए तो वो काम करे भाई, उसका सिग्नल जब आए तो वो काम करना शुरू करे। तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको, अरे नीचे लग गया यार, चलो ठीक है वहाँ पे भी लगाना ज़रूरी है, यहाँ पे लगा दिए। तो इसके ऊपर एक लगाते, इसके भी ऊपर मुझे एक लगाना पड़ेगा। हाँ तो यार अभी चलो इसको बात ऑफ वीडियो करते, मतलब जल्दी से करते हैं, फिर मिलते हैं ये सब करने के बाद। तो अभी भाई रात हो चुकी है और मैं काम कर रहा था वहाँ अपने काम, मतलब वाम वाला, और यहाँ पे देखो भाई क्या क्या भयंकर ज़ॉम्बीज आ चुके, और वो जो क्रीपर है ना वो तो अलग ही अखंड लेवल का है भाई। वहाँ पे मैं था तो उसके पास था स्प्रिंट, हाई स्प्रिंट, मतलब इस क्रीपर में भाई ये हम लोगों से भी तेज़ भाग सकता है बिल्कुल, तो इससे सामने सामने लड़ने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं भाई, इसीलिए मैं ऊपर आ गया चुप्पे यहाँ पे चढ़ चढ़ा के किसी तरीके से। और ये देख रहा था नीचे भूत कौन रहा टहल रहा है, ये वाइट वाला अजीब टाइप का भूत है भाई, इसके बारे में तो पता भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, इन लोग को मारते हो फिर सुबह होने का इंतजार करते हो, तो कुछ कर नहीं सकते, बेड बनाना पड़ेगा यार मुझे इसके लिए। सो अभी फार्म रेडी हो चुका है हमारा, और रात भी बीत चुकी है ठीक है। अब बस मुझे एप्पल खाना है, और थोड़ा फिर मतलब भूख लगी थी यार, और मेरे पास अभी ये देख रहे थे तुम लोग ऐसा दिख रहा है, मैंने इसके बाद टेस्ट कराया था काम कर रहा है, तो अब बस मुझे ये वाला जो ये मतलब ये जो मशीन का ये जो जनरेटर होता है ना उसको सिंपली यहाँ पे लगाना होगा मेरे को कुछ इस टाइप से। एक सेकेंड, अरे यहाँ पे नहीं यार, इसको तोड़ना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा। अरे भाई भाई कौन होगा, कौन अजी भाई, ये भूत इसकी वैसी की तैसी भैंस की, अभी इसको मारा था इसके समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आता है तुम्हें। अरे भाई साहब इतना सामान देखे गया भाई, सही है यार। तो हाँ अभी जल्दी यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने। अब जैसे ही हवा चलेगी ना तो उस पर ऊपर कॉबलस्टोन बनेगा, कॉबलस्टोन के बाद वो क्रशिंग व्हील से होकर ग्रेवल बनेगा, फिर उसके बाद क्रशिंग व्हील से होकर वो सैंड बनेगा, और सैंड के बाद नीचे सीव लगी हुई है, सीव के अंदर वो पिस जाएगा, और पिसने के बाद वो मतलब रिसोर्सेज में बदल जाएगा, जैसे एमेथिस्ट क्लस्टर, एमेथिस्ट ब्लॉक और इन सब चीज़ों में, और रेडस्टोन वगैरह में। ये देखो जैसे कि कन्वर्ट हो चुका है भाई, अभी देखो जैसे ऊपर ग्रेवल है, ग्रेवल के बाद आई सैंड, सैंड अभी यहाँ पे सीव हो जाएगी, सीव होने के बाद तुम लोग यहाँ पे देखना सारे रिसोर्स नीचे आ जाएंगे, और हॉपर के थ्रू कलेक्ट होकर चेस्ट में देखना भी। ये देखो भाई हॉपर के थ्रू कलेक्ट होकर चेस्ट में आ जाएगा ये सब ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा सामान मिलता है, तो ये हमारे रिसोर्स की चीज़ें तो कम्प्लीट हो गई। इसके बाद मैं इससे भी वो लकड़ी वाला फार्म भी बना लूँगा, लेकिन वो सब बाद में करेंगे। तो आज मैं उनको लाइक करना, चलो भी सब्सक्राइब करना, भाई थोड़ी बहुत दिक्कत है लेकिन ठीक हो जाएगी ये सब भी। तो हाँ आज मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।